नमः शिवाय। दोस्तों, तुला राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं 7 मार्च 2024 को युवराज बुध अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं, तो इसका तुला राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है। देखिए, 7 मार्च 2024 को बुध देव कुंभ राशि को छोड़कर सुबह 9:21 पर जल तत्वी राशि मीन राशि में गोचर करने वाले हैं और मीन राशि में 26 मार्च 2024 तक नीचस्थ अवस्था में गोचर करने वाले हैं। इस समयावधि में बुध सूर्य के साथ शुक्र और राहु के साथ युति भी बनाने वाले हैं, तो इसका तुला राशि के जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव दिखाई देगा, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। किन किन मामलों में बुधदेव आपको सकारात्मक परिणाम देने वाले हैं और कहां पर आपको सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता भी रहने वाली है। तो तुला राशि वाले जातकों, बुध के बारे में यदि आपको जानकारी दिया जाए, ज्योतिष शास्त्र में बुध को युवराज का दर्जा प्राप्त है। बुध को वाणी, बुद्धि, तर्क शक्ति, संवाद शैली, गृहस्थ सुख, व्यापारिक जीवन, शेयर मार्केट, इन सब विषयों का कारक माना जाता है, यानी इन सभी चीजों पर बुध का ही प्रभाव होता है। किसी भी जातक की जन्म कुंडली पर बुध देव अगर शुभ अवस्था में विराजित हो तो ऐसे जातक को बुध देव धनवान बनाते हैं, कुशल वक्ता बनाते हैं। बुध का बलि प्रभाव जातक को दीर्घायु प्रदान करता है और बुध के बलवान होने पर कई भाषाओं का ज्ञान रखने वाला बौद्धिक रूप से जातक काफी मजबूत होता है। वही कुंडली पर बुध का पीड़ित प्रभाव स्वास्थ्य की हानि कराता है। नसों में पीड़ा, बोलने में समस्या, गले नाक कान से जुड़ी हुई समस्याएं मिलती है। बुध का पीड़ित प्रभाव आर्थिक संकटों को भी निर्मित करता है और बुध के खराब होने पर शिक्षा बाधित होती है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि तुला राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव मिलने वाला है। ये फलादेश आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। तुला राशि वाले जातकों, बुध आपके भाग्य भाव और आपके व्यय भाव के स्वामी माने जाते हैं और 7 मार्च 2024 को बुध देव आपके राशि के छठवें भाव में गोचर करने वाले हैं। कुंडली के छठवें भाव से रोग, ऋण, शत्रुओं के बारे में, कंपटीशन के बारे में, मुकदमेबाजी के बारे में विचार किया जाता है। सिक्स हाउस पर बुध देव देवगुरु के नक्षत्रों में 2 दिनों तक रहेंगे और 9 तारीख से लेकर 19 तारीख के बीच में ये शनिदेव के नक्षत्रों में गोचर करने वाले हैं। तुला राशि वाले जातकों के जीवन में बुध का यह परिवर्तन आपको मिला जुला प्रभाव देने वाला है। आपके छठवें भाव पर शुक्र, राहु और बुध, इन तीनों ग्रहों की युति बनने वाली है, तो तुला राशि के जातकों को सबसे पहले तो कर्म क्षेत्र के मामले में सकारात्मकता मिल सकती है। तुला राशि के ऐसे जातक जो वर्तमान समय में बुध जनित क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, जैसे लेखन, पत्रकारिता, वकालत, कथावाचन, इन क्षेत्रों में आपका जुड़ाव है। किसी प्रकार का यदि आप व्यापार करते हैं तो आपके लिए समय बहुत ही शानदार और अवसरों से भरा हुआ रहने वाला है। उसके साथ साथ तुला राशि वाले जातकों के जीवन में धन के मामले में स्थिरता और आर्थिक मामलों में उन्नति की संभावना भी आपको इस समयावधि में देखने के लिए मिलने वाली है। रिश्तों के मामले में यह समय आपके जीवन में भावनात्मक संवेदनशीलता को बढ़ा देगा, तो तुला राशि वाले जातकों को यदि आप प्रेम को वैवाहिक जीवन में बदलना चाहते हैं तो आपको काफी अलर्ट रहना चाहिए। इन 19 दिनों की समयावधि में आपको अपने वाणी के द्वारा आवेग पूर्वक स्थिति निर्मित करने से बचना चाहिए। यदि आपका जुड़ाव प्रेम संबंधों में या वैवाहिक जीवन में है तो आपको कड़वे शब्दों का प्रयोग जीवन में नहीं करना है,
क्योंकि इन 19 दिनों की समयावधि में बुध राहु के साथ प्रभावी रहेंगे और राहु और बुध का मिलन जड़त्व दोष का निर्माण भी करता है। उसके साथ साथ आपके जीवन में यानी तुला राशि वाले जातकों के जीवन में वर्तमान समय में यह समय आपको योजना बनाकर चलने की राह भी आपको प्रदान करेगा। आप अपने जीवन में इस समयावधि में पुरानी योजनाओं को क्रियान्वित करके जीवन में शुभता और श्रेष्ठता अर्जित कर सकते हैं। और सिक्स हाउस पर बुध की गोचरी अवस्था रहेगी तो आपको इस समयावधि में तुला राशि के जातकों को शारीरिक और मानसिक स्तर पर अपने शरीर का ध्यान देकर भी चलना होगा। मौसम परिवर्तन से कई बीमारियां आकस्मिक रूप से होने लगती है तो इन 19 दिनों की समयावधि में तुला राशि के जातकों को खान पान की आदत का विशेष ध्यान रखकर चलना होगा, तो यह समय आपके लिए काफी शुभ रहेगा। तो कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो बुध आपके जीवन में इस समय अंतराल में आपको मिला जुला प्रभाव देने वाले हैं। उपाय की जानकारी दिया जाए, बुध जनित दुष्प्रभावों को जीवन से दूर करने के लिए किन्नरों को हरा वस्त्र हरी चूड़ियां यदि आप दान करते हैं तो आपके लिए समय शुभ रहने वाला है। उसके साथ साथ तुला राशि वाले जातकों को बुध जनित शुभता को अर्जित करने के लिए बुध के हानिकारक प्रभावों से बचने के लिए वाणी के द्वारा कड़वे शब्दों का आपको प्रयोग नहीं करना है। उम्मीद है यह जानकारी तुला राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। आने वाले समय में यदि आप अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।